दोस्तों फैन फाइट की एप्लीकेशन जो है बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जो है आप सभी को कंपटीशन बहुत ही कम मिलेगा। इस ऐप का जो है लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जो है अभी फैन फाइट को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप सभी को कंपटीशन बहुत ही लेस मिलता है, तो आप जो है जीतने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ जो है आप सभी यहाँ पे जो है रोज़ाना के 1,00,000 तक का मेगा लीग जीत सकते हैं। अभी जो है इसको डाउनलोड कीजिए और मेरा जो है रेफर कोड ज़रूर से डाल के रख दीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। तो भाई जल्दी जो है चालू कर देते हैं आज की भी सीरीज को। सबसे पहले जो है भाई शुरुआत करते हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के सीरीज से, बात कर लेते हैं श्रीलंकन टीम की, जहां पे जो है भाई श्रीलंकन टीम के कोच थे उनका नाम था चंदिका। यहाँ पे भाई हुआ क्या, ये जो भाई थे चंदिका भाई, इन्होंने जो है अपने बोर्ड से, मतलब कि श्रीलंकन बोर्ड से जो है कुल $5 मिलियन की जो है डिमांड की। क्यों? क्योंकि भाई उनकी जो टीम थी वर्ल्ड कप 2019 में बिल्कुल जो है खराब परफॉर्मेंस दिखाई, जिसके चलते भाई जो है थे कोच, इन्होंने बोला आप जो है मुझे जुर्माने के तौर पे $5 मिलियन खर्चा दोगे। उसके बाद भाई हुआ क्या, बोर्ड ने सीधा कोच को ही निकाल के रख दिया। तो भाई ये जो है बहुत ही अजीब सा वाक्या था। अब बात करते हैं भाई लसित मलिंगा की, जहाँ पे जो भाई इस T20 जो है भाई सीरीज से जो है स्टार्टिंग होने से पहले बोल दिए हैं मलिंगा, अगर हमारी टीम मतलब कि श्रीलंकन टीम अगर वर्ल्ड कप 2000 बोल सकते हैं 20 के जो है T20 में क्वालिफाई नहीं कर पाई, तब जो है वो शायद से रिटायरमेंट ले लेंगे। क्योंकि भाई हमको एक बात तो मालूम है, ये जो है भाई श्रीलंकन टीम, इनको जो है राउंड के मुकाबले खेलेंगे, अगर वो उस राउंड के मुकाबले को जीतेगी तब जो है वो सुपर 12 में क्वालिफाई कर पाएगी, और सिर्फ जो है सुपर 12 की टीम ही वर्ल्ड कप 2020 को खेल पाएगी और जीत भी पाएगी। अब बात करते हैं भाई पृथ्वी शॉ की, तो यहाँ पे जो भाई पृथ्वी शॉ के ऊपर डाउट सस्पेंस बन चुका है, क्योंकि वो जो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ए के बीच होने वाली जो सीरीज है उसके अंदर जो है शायद से भाई पृथ्वी शॉ खेलते हुए दिखाई ना दे, क्योंकि उनके ऊपर जो है भाई फिलहाल इंजरी का सस्पेंस जारी है, जो कि फिलहाल जो है पृथ्वी शॉ अपना जो है NCA क्रिकेट स्टेडियम में जाएंगे, वहां पे जो है उनका पूरा फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद जो है पृथ्वी शॉ को न्यूजीलैंड ए के सामने खेलने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जो है पृथ्वी शॉ थोड़े से अनलकी साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं भाई T20 में 6 गेंदों में 6 छक्के की, तो सबसे जो है पहला नाम आता है वो आता है युवराज सिंह का हम सभी के दिमाग में। लेकिन अभी जो है आज न्यूजीलैंड के T20 सुपर स्मैश में जो है भाई लियो कार्टर ने एंटोन डेविज को 6 गेंदों में 6 छक्के मार के रख दिए, जो कि जो है बहुत ही लंबे समय के बाद हमको देखने को मिली है। यहाँ पे जो है सबसे जो लेटेस्ट थे वो थे भाई हजरतुल्ला जजाई, जिसने जो है अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे, जो कि भाई एक लेफ्टी बैट्समैन थे, और आज जो है भाई लियो कार्टर भी जो है एक लेफ्टी बैट्समैन ही थे। अब बात करते हैं भाई इरफान पठान की, यहाँ पे जो भाई इरफान जो है पठान ने पूरे ऑल फॉर्म ऑफ द भाई क्रिकेट से संन्यास ले लिया। लेकिन इसके बाद जो है भाई इरफान पठान ने जो है बहुत ही बड़ा इंटरव्यू दिया, बोले कि वो जो है भाई कहीं ना कहीं एक्स कैप्टन मतलब कि महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर जो है इल्जाम लगाया है कि उनके जो है वजह से इरफान पठान का जो भाई था करियर वो हुआ है समाप्त, क्योंकि उनको जो है ज्यादा मौके धोनी ने दिए नहीं थे, ऐसा जो है भाई इरफान पठान ने बोला था अपने इंटरव्यू में। हालांकि यहाँ पे जो है भाई उन्होंने डायरेक्टली धोनी के ऊपर तो इशारा नहीं किया, लेकिन जो भाई कहीं ना कहीं जो उनकी उंगली थी वो भाई धोनी के ऊपर ही थी। अब बात करते हैं भाई मार्कस टॉयनिस की, तो यहाँ पे जो है भाई मार्कस टॉयनिस के ऊपर जो है लग चुका है $7,500 का फाइन। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने जो है लास्ट में बिग बैश लीग में मैच खत्म होने के बाद जो है भाई गेंदबाज, उनका नाम था केन रिचर्डसन, उनको जो है भाई कुछ तो बहसबाजी की थी, उसके चलते जो है भाई स्टॉयनिस के ऊपर $7,500 का जुर्माना लगा। यहाँ पे जो भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने जो है नियम को लेके बहुत ही ज्यादा कठोर है। अब बात करते हैं भाई रणजी ट्रॉफी की, जहाँ पे जो है मुंबई की टीम जो है लगातार दूसरा मुकाबला हार चुकी है रणजी ट्रॉफी में, और ये जो है सिर्फ तीसरी बार हिस्ट्री में हुआ है कि मुंबई की टीम जो है लगातार 2 मुकाबले हारी है। उसके साथ जो है भाई कर्नाटका की भाई जो है टीम, उन्होंने रणजी ट्रॉफी में कुल 200 जीत को हासिल कर लिया है, जो कि सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट नंबर पे जो आते हैं वो आते हैं भाई ऑल टाइम चैंपियन मुंबई की टीम, जो कि 41 टाइम
चैंपियन है और ये जो टीम है कुल 245 बार जीती है रणजी के मैचेस। अब बात करते हैं भाई एमएसके प्रसाद ने जो है कुछ जो है युवा प्लेयर के नाम जो है बैकअप के सूची में रखी है, जो कि रखी है भाई टेस्ट क्रिकेट में, जिसके अंदर जो है भाई आते हैं पृथ्वी शॉ, केएल राहुल, प्रियंक पांचाल, अभिमन्यु ईश्वरन, नवदीप सैनी, आवेश खान, बैसेल थम्पी, संदीप वारियर, ईशान पोरेल और मोहम्मद सिराज। ये है भाई कुछ चुनिंदा प्लेयर्स जिनको जो है भाई एमएसके प्रसाद ने बोला है कि इनको जो है भविष्य में बैकअप के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं भाई गौतम गंभीर की, तो यहाँ पे जो है भाई गंभीर ने मार्क वॉ के जो है सपोर्ट में आए हैं, बताए हैं कि भाई क्रिकेट में जो है लेग बाय का जो नियम है उसको हटा देना चाहिए और लेग बाय का जो रन्स है उसको काउंट करना नहीं चाहिए। उसके साथ जो भाई गंभीर ने बोला है कि मैं जो है कैप्टन विराट कोहली के साथ में हूँ और मैं भी जो है चाहता हूँ भविष्य में जो है 4 दिन का टेस्ट मैच होना नहीं चाहिए, टेस्ट मैच को जो है रीति रिवाज मतलब कि 5 दिन के साथ में ही रखना चाहिए। भाई आज जो है नेथन लायन ने न्यूजीलैंड के सामने 5 विकेट लेके एक नया अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है। भाई नेथन लायन जो है जिस भी देश के सामने टेस्ट क्रिकेट खेले है उस हर एक देश के सामने जो है नेथन लायन ने 5 विकेट हॉल तो लिए ही है, तो भाई ये जो है काफी अनोखा रिकॉर्ड है। नेथन लायन जो है ऑल टाइम लेजेंड भी कहलाने वाले है। अब बात करते हैं भाई 5 विकेट हॉल की, तो फिर से बात करते हैं एक और लेजेंड गेंदबाज जेम्स एंडरसन की। तो यहाँ पे जो भाई जेम्स एंडरसन बन चुके हैं इंग्लैंड की टीम के, इंग्लैंड के देश के सबसे हाईएस्ट 5 विकेट हॉल लेने वाले, जहाँ पे जो है भाई एंडरसन ने कुल 28 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं और इसके जो है पहले ये रिकॉर्ड नाम पे था वो था सर इयम बॉथम, जिनके नाम पे जो है कुल 27 बार 5 विकेट हॉल था। अब बात करते हैं भाई आज के फैक्ट की, आज का फैक्ट ये है मुश्फिकर रहीम इकलौते ऐसे है भाई खिलाड़ी जो कि तीनों फॉर्मेट में जो है रिटायर हट आउट हो चुके हैं, चाहे हम बात करें टेस्ट की, वनडे की, T20 की, तीनों जो है फॉर्मेट में मुश्फिकर रहीम रिटायर हट आउट हो चुके हैं जो कि इकलौते ऐसे खिलाड़ी है। तो भाई ये था आज का वीडियो, मैंने आप सभी तक पहुंचा दी, तो आप सभी जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।